भाई पेट्रोल 50 रुपए का हो जाएगा तो पेट्रोल पी के थोड़ा ही सोइएगा, खाना तो दाल चावल ही पड़ेगा, रोटी ही खाइएगा, पेट्रोल पी के थोड़ा ही सोइएगा। और नमस्कार दोस्तों, पंजाब टुडे टीवी पर आपका स्वागत है, जहां आपको गोदी मीडिया का अनफिल्टर्ड सच दिखाया जाता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन की घंटी बजा दें। तो पहले थोड़ा शुरू करते हैं छोटी मोटी खबरों से। तो दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के डाटा के अनुसार जिन जिन देशों की जनता $5.5 से कम प्रतिदिन कमाई करती है, उसमें हमारा देश दूसरे नंबर पर है 86% के साथ। मतलब वाह मोदी जी वाह, हम नाइजीरिया से तो आगे हैं कम से कम। मजा आ गया मोदी जी, जहां आप लोग धर्मों के पीछे लड़ने में जुटे हैं, हमारे मंत्रिमंडल गरीबों की जेबें खाली और अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। तो भाई बहनों, आप हर धर्म से इस चैनल्स को देखते हैं, और जैसा कि पिछले दिनों हमने देखा कि एक पार्टी के लोग मीट और मटन के ऊपर प्रतिबंध लगवाना चाहते थे नवरात्रों की वजह से। हम नहीं कहते कि कोई इसमें सही है या गलत, पर उसी पार्टी के लीडर जो मीट बैन करवा रहे थे, बीजेपी के सेंट्रल मिनिस्टर जी किशन रेड्डी अपने घर में पार्टी के दौरान फुल जोर शोर से मटन, प्रॉन्स और चिकन का सेवन करते नजर आए। यहाँ मोदी जी की कही एक ही बात मुझे याद आती है, वो है कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो दोस्तों, अगला क्लिप हम आपको दिखाना तो नहीं चाहते, क्योंकि हम जानते हैं कि इसकी शक्ल देखकर हर किसी के 2 महीने खराब हो जाते हैं, पर चलिए फिर भी दिखा ही देते हैं। जहां ये कंगना मोहतरमा अपने व्हाट्सएप से अनाप शनाप पढ़कर जो जी में आए इंटरव्यू में बकती रहती है, वहीं दूसरी ओर श्री सुभाष चंद्र बोस जी की बेटी ने कैसे ऐसे घटिया लोगों के मुंह पर कस के तमाचा लगाया, वो देखने योग्य है। Well, there is a lot of unwanted gyan that comes our way every day. Kangana Ranaut ne Instagram post mein puri duniya ko prerit karne wale Mahatma Gandhi ke ahinsak aandolan ka mazak udate hue unhe satta ka bhookha aur chalak tak keh diya. Ya to aap Gandhi ke fan ho sakte hain ya fir Netaji ke samarthak. आप दोनों के समर्थक नहीं हो सकते। कंगना के इस बयान पर खुद सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनिता बोस ने उन्हें आईना दिखाया है। महात्मा गांधी को मानने वाले देश में करोड़ों लोग हैं। खुद मेरे पिता सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी जी के बहुत बड़े प्रशंसक रहे। भले ही एक मोड पर दोनों के रास्ते अलग हो गए, लेकिन आजादी में सभी का योगदान है। दोस्तों, अगले क्लिप्स देखकर अगर आपके दिमाग का भी शॉर्ट सर्किट ना हो गया तो हमें कह दीजिएगा। मतलब इस व्यक्ति का IQ लेवल आम इंसानों से इतना ऊपर उठ चुका है कि बस अब ये ऐसी भाषा में बातें करता है कि ना तो उसका मतलब हमें समझ आता है ना आप समझ सकते हैं। इसे समझने के लिए स्वयं आइंस्टाइन को नीचे आना पड़ेगा। जरा पहले क्लिप्स देखिए और फिर इसका लॉजिक देखिए कि भाई पेट्रोल छोड़ एक गाय का पदार्थ है, वो खाया कीजिए आप भाई साहब। नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा, वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। लेकिन कल से पेट्रोल 50 रुपए लीटर भी आपको मिल जाएगा, और बहुत ध्यान से कह रहा हूं, सुनिए इसको आप। अभी मजा आएगा ना, कोई यकीन नहीं हो रहा होगा कि 50 रुपए का कैसे मिलेगा। 50 रुपए लीटर, ये पेट्रोल की कीमत जो है वो कल से हो सकती है 50 रुपए लीटर। Oh my God! Wow! कि 50 रुपए लीटर पेट्रोल अगर लेना है तो क्या क्या चुकाना हो। बीते 3 साल में एक लंबा वक्त इस देश ने लॉकडाउन का भी झेला, जिसमें अर्थव्यवस्था चरमरा गई, और सिर्फ भारत की नहीं दुनिया की चरमरा गई, दुनिया की हिल गई। भारत तो अब रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा, लेकिन दुनिया आज भी स्ट्रगल कर रही है। उस संकट काल में जब सब कुछ बंद था, जब सरकार करोड़ों गरीबों को हर महीने राशन दे रही और फ्री वैक्सीन पर खर्च हो रहा है, भाई पेट्रोल 50 रुपए का हो जाएगा तो पेट्रोल पी के थोड़ा ही सोइएगा, खाना तो दाल चावल ही पड़ेगा, रोटी ही खाइएगा, पेट्रोल पी के थोड़ा ही सोइएगा। इस बात के ऊपर 64 मुट्ठों की सलामी बनती है जरा मादचोद। और जिस गरीब को खाना मिल रहा है वो तो बेचारा पेट्रोल इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, डीजल भी नहीं कर सकता। 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है, और लोगों ने क्या कहा है पता है, जब हम लोग इलेक्शन कवर कर रहे थे
तो लोग जब कहते थे कि भाई फ्री राशन मिला है जिसको बड़ा फैक्टर माना गया बीजेपी की जीत के पीछे, वो लोग कहते थे पराठा ही नहीं का, मेरी सब्जी नहीं होगी, दाल नहीं होगी, कोई तो हया करने ऐसे ही इन्होंने वोट दे के तां वास्ते करने असेंबलियां दे विच के लोकां दा खून पीन। वो लोग कहते थे किसी कुत्ते का पुत्र ये हन्नो है, एदी ना मां ना प्यो, एक खुसरा भैन चोर। हांगकांग में पेट्रोल की कीमत क्या है आपको पता है? 217 रुपए लीटर। नीदरलैंड में 191 रुपए लीटर का पेट्रोल बिक रहा है। तो इसके लॉजिक से 217 रुपया नहीं चलता हांगकांग में भाई। हांगकांग के डॉलर के रेट के अनुसार उनको तेल पड़ता है $22 में, नीदरलैंड में चलता है यूरो, तो वहां के लोग देते हैं सिर्फ 2 यूरो तेल के लिए। नॉर्वे में चलता है नॉर्वे इन क्रोन, तो वहां के लोग देते हैं 21 क्रोन। फिनलैंड में भी यूरो चलता है और चाइना में चलता है चाइनीज युआन, तो वहां के लोग देते हैं 9 युआन। तो ऐसे आपके लॉजिक की धज्जियां उड़ती हैं हमारे चैनल के माध्यम से, क्योंकि अमेरिका के लोग जब कमाई करते हैं तो वो डॉलर्स में कमाई करते हैं ना कि रुपयों में, तो उनका खर्चा भी डॉलर्स के अनुसार गिनवाएं, रुपयों के हिसाब से नहीं। इसके लॉजिक को सुन के मुझे बस यही करने का मन करता है। अगले क्लिप्स हैं हमारे टॉप क्लास बिजनेसमैन रामदेव के। इन क्लिप्स में हम देखेंगे कि रामदेव एक तरफ तो कहते हैं कि केजरीवाल एक देशभक्त है, पर दूसरी ओर इस व्यक्ति का लॉजिक देखिए। जैसे हम छोटे बच्चे हुआ करते थे तो हम कहा करते थे कि देख तूने मुझे मारा है तो अब इसलिए तुझे मुझसे एक बार मार खानी पड़ेगी। वैसे ही बाबा चिलम जी कहते हैं कि देख केजू मैंने तुझे देशभक्त कहा है तो तुझे भी मेरे मोदी को देशभक्त कहना होगा मेरे भाई। अरविंद केजरीवाल वीआईपी कल्चर खत्म करना चाहते हैं तो मोदी का साथ क्यों नहीं देते? दूसरी बात, मैं बहुत गंभीर बात कहना चाहता हूं, कहता हूं देशभक्त और ईमानदारों की राजनीति करना चाहते हैं तो क्या मोदी देशभक्त नहीं है? पूरे देश के सामने बताना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी को, क्या मोदी ईमानदार नहीं है? नहीं। क्या देशभक्ति और ईमानदारी का ठेका कोई एक व्यक्ति ले सकता है? मैं मानता हूं, आज भी मानता हूं कि व्यक्तिगत तौर पर आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को मैं देशभक्त ईमानदार मानता हूं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, लेकिन राजनीतिक तौर पर भी उनको अपनी ये देशभक्ति और जो है ईमानदारी दिखानी चाहिए और देश को कहना चाहिए कि मैं जितना देशभक्त हूं उससे ज्यादा देशभक्त नरेंद्र मोदी है और ईमानदार है, तो साथ में उनको दिक्कत क्या? अरे कहना क्या चाहते हो? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो आइए आगे थोड़ा रोस्ट मास्टर असीम वकार के थोड़े बम्पर क्लिप्स देखते हैं। देखें कैसे इन क्लिप्स में असीम वकार ने गोदी मीडिया की ईंट से ईंट बजाकर रख दी। काम है और सबसे बढ़िया सिस्टम लगा मुझे कि जो आप लाइव डिटेक्टर टेस्ट लेके आएंगे ना, जो झूठ बोलेगा पकड़ा जाएगा। बहुत बढ़िया चीज, शुक्रिया। अब मैं भी कुछ बोलने जा रहा हूँ और आपसे गुजारिश ये है कि मेरे सारे झूठ पकड़िएगा, अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो सब बताइएगा। बोल बोल। देखिए मोदी जी ने कहा था कि 35 रुपए में पेट्रोल बिकेगा, बिक रहा है। मोदी जी ने कहा था और रामदेव ने कहा था कि अगर बीजेपी सरकार बनेगी तो 350 गैस मिलेगी, मिल रही है। मोदी जी ने कहा था कि बुलेट ट्रेन चलाएंगे, 7-7 चल रही है, 8-8 चल रही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। रोज डेली चल रही है। मोदी जी ने कहा था 10 सर लेकर आएंगे, हर हफ्ते में 20-20 सर लाए जा रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कोटो बनाएंगे, टोक्यो बन गया, जापान ही बन गया, बीजिंग भी बन गया। मोदी जी ने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, 200 बन गए। और महंगाई तो है ही नहीं। मोदी जी ने कहा था कि मेक इन इंडिया का शेयर जो है वो अपने, हम लोग अपने प्रोडक्ट बनाएंगे, लड़ाकू जहाज विदेश में बेचेंगे। आपको पता है हमारे यहाँ रोज जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 100 लड़ाकू जहाजों का हो रहा है मेक इन इंडिया के तहत, और सब अमेरिका को बेचे जा रहे हैं। बस कोई फास नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। चलिए लाइव डिटेक्टर टेस्ट पे डालिए जरा सा, बताइए मैं सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ। आपने लिखा लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया जो मैंने आपसे पूछा। मैडम मैंने आपको कहा, मैंने आपको ये पूछा सर
कि लाल टोपी पर आज जो टिप्पणियां की गई, मोदी जी ने सब वादे किए थे सर, मैंने आपसे ये पूछा, मैंने आप यही नहीं अभी और सुनिए। सैयद असीम बकार साहब बताएं। हाँ सर, हमारे लिए देश ऊपर है और दल बाद में, लेकिन यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके लिए आपकी तनख्वाह ऊपर है या देश ऊपर है? हाँ। चापलूसी ऊपर है या देश ऊपर? क्यों रुक जा, रुक जा, इतनी देर की बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। हाँ, पहले आप बोलिए। एक भी जनता का मुद्दा नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? एक भी जनता का मुद्दा नहीं उठाया। बताइए आप। सुनिए सर, मुझे सख्त सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल करने मत दीजिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप इतने काबिल नहीं है, मैं कई बार कह चुका हूँ, जितने काबिल हम है। अच्छा, आपको हमको हमको नहीं नहीं हमको लोगों ने हरा दिया, हमको लोगों ने हरा दिया, लेकिन अगर हमको जिता देती तो 30 रुपए में पेट्रोल बिक रहा होता, 20 रुपए में डीजल बिक रहा होता। अच्छा, 350 रुपए में गैस बिक रहा। कुछ भी, कुछ भी। फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, वो गरीब है, इनसे पूछिए जाकर कि पहले क्लास के बच्चे की जो फीस है। सर, सुन रहा हूँ मैं, बोलिए। 4,000 रुपए महीना फीस है बच्चे की, पहले क्लास के बच्चे की। कहां से लेके आएगा आदमी? ये बड़ी अच्छी बात कही है। 15 मिनट हो गए डिबेट शुरू हुए। हाँ। और उस 15 मिनट में 11 मिनट की आपकी प्रस्तावना थी और 4 मिनट लगातार आप बोल रहे हैं। अच्छा, तो जब आप ही पूरा बोलते रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ? बताइए, बोलिए ना। बेकार सवाल। कितनी तनख्वाह है आपकी? आपसे आपको क्या है, कितनी तनख्वाह है आपकी? क्यों तनख्वाह कितनी आपकी? क्यों इलेक्शन आपको लड़ना है? मुझे पूछा जो 100 रुपए रोज कमाता है मेरी जनता, आपने कभी मेरी तनख्वाह पर टैक्स जाता है, कमाता है? आप सांसदों और विधायकों की तो तनख्वाह भी आपकी सरकार देती है। पंजाब में बताया था, उत्तर प्रदेश में जितने भी सरकारी स्कूल हैं, क्या जाहिल आदमी है आप? सर गजब बेइज्जती है, कमाल के आदमी। जाहिल आपको पता है क्या वैसी साहब है आप? सर क्या जाहिल, आप बोलते ही जा रहे हैं, आप किसी की आवाज ही नहीं आने तो आप सुनते हैं? सॉरी सर, नहीं नहीं वैसी साहब, सर आप अच्छे आदमी नहीं है। अच्छा, नहीं नहीं आप अच्छे इंसान नहीं है सर। अच्छा, आप अच्छे हैं? आप अच्छे इंसान नहीं है, आप अच्छे। अच्छा, आपका जनता के बीच जाके ये विषय उठाएंगे? देखिए ये पर्सनल नहीं है, पॉइंट उठा दिए। डिबेट ऐश्वर्या कपूर नहीं है सर, द्रोही है। आई एम सॉरी बाबू, मैं खुल के बोल रहा हूँ सर। कैसे है बताइए, आपके बोलने से है? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप बोल। खत्म, बाय बाय। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब, एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।